हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, ये एक और साइड की, एक और कंसेप्ट की, जो है इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। तो बच्चों के मन में ये बहुत डाउट रहता है कि सर इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है। तो आज ये डाउट आपका क्लियर होने वाला है। शुरू करते हैं एक छोटे से ग्राफ के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जो फोर्स और टाइम का ग्राफ होने वाला है। तो लेट्स से वाई एक्सिस पे हमारे पास फोर्स है न्यूटन्स में, एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है सेकंड्स में, एंड दिस इज़ द ओरिजिन। हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स को टाइम के विद रिस्पेक्ट टू देखा कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और देखने पे ये पता लगा कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, लाइक दिस। कोई लोगों को इसको लगेगा पैराबॉलिक पाथ जैसा ग्राफ बन रहा है। ओके, अब आपको ये टाइम इंटरवल दिख रहा होगा जब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आ रही है। दिस मैक्सिमम फोर्स, इस पे टाइम आ रहा है मान लीजिए टी डैश। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं इस टाइम की जगह एक बहुत छोटा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कंसिडर कर लेता हूँ, दिस मच। दिस टाइम इंटरवल, लेट्स से दिस टाइम इंटरवल इज डी टी। ओके, सो दिस इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इनफैक्ट वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। सो यहाँ पे हम इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं, इम्पल्सिव फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में एक्ट करती है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ही लगती है। दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। सो इम्पल्सिव फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। जो फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करती है उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। बट अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे डी टी टाइम इंटरवल जैसे बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल्स बन सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन मोर टाइम इंटरवल डी टी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक टाइम इंटरवल डी टी बन सकता है, और ये सभी के सभी बहुत छोटे टाइम इंटरवल्स हैं। तो क्या इन सभी फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्स कहा जाएगा? आंसर है बिल्कुल सही। इम्पल्सिव फोर्स का एक ही डेफिनेशन है कि ऐसी फोर्स जो बहुत छोटे निग्लिजिबल टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करे, फिर चाहे वो फोर्स पीक पे हो चाहे कम पे हो, हम उसे इम्पल्सिव फोर्स मानेंगे। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा इम्पल्सिव फोर्सेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं इस पूरे ग्राफ को डी टी टाइम इंटरवल्स के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करने लगूँ तो इनफाइनाइट टाइम इंटरवल्स बन सकते हैं। तो क्या यहाँ पे मैं इनफाइनाइट इम्पल्सिव फोर्सेस कैलकुलेट करूँगा? आंसर, दैट वोंट बी फिजिबल। करना तो वही चाहिए बट वो फिजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स की बात कर लेते हैं। ओके, सो वी टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू of value of impulsive force, average value of impulsive force, और उसको हम denote करेंगे F के साथ या फिर F average के साथ। So this is the impulsive force जिसकी हम बात करने वाले हैं। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा time intervals हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम average value की बात करेंगे। So you can see from the graph, from graph, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इन टू टाइम, राइट? एवरेज वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इन टू टाइम, राइट? एंड यहां से मैं कह सकता हूं एवरेज वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम, करेक्ट? नाउ एरिया के लिए हम कह सकते हैं, मैंने बहुत छोटे इंटरवल्स में डिफाइन किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। वाई? बिकॉज किसी भी पॉइंट पे इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू एफ हो सकती है, और मैं उसको बहुत छोटे टाइम इंटरवल्स में डिफाइन कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने इस पूरे ग्राफ को 100 टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे बाद में उन 100 के 100 टाइम इंटरवल्स को जोड़ना भी तो है ताकि मैं एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। इसका मतलब मुझे एफ डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टाइम तो है ही है। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। अच्छा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है
फोर्स इज dp by dt, that is rate of change of momentum into dt divided by time. So dt से dt cancel and we get integration of mass into v2 minus v1. What is v2 minus v1? It is final velocity minus initial velocity divided by time taken. अब आप खुद सोचिए, dp रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे भी जिस भी अल्फाबेट से पहले d, स्मॉल d लग जाता है, हम फिजिक्स में मानते हैं वेरी स्मॉल चेंज. अगर आप dp की बात करते हैं और आप ऐसे बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंजेस को इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको नेट चेंज मिल जाएगा, नेट चेंज इन मोमेंटम. इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ dp, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम और चेंज इन टाइम. ठीक है, सो एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम वी टू माइनस वी वन, दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स. गाइस, यही फोर्स कहलाती है इम्पल्सिव फोर्स. तो ये तो बात हो गई इम्पल्सिव फोर्स की, जो कि एक फोर्स ही है जो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लास्ट करती है. सो दिस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, दिस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. नाउ व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है? वेरी सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज इम्पल्स. दैट मीन्स एफ एवरेज इन टू टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, इज इक्वल टू इम्पल्स. तो इम्पल्स का बेसिकली क्या मतलब हो गया? इम्पल्स का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम, बस चेंज इन मोमेंटम, जो कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में होता है. तो एक बार फिर से, इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है? इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करती है. इम्पल्स क्या होता है? उस इम्पल्सिव फोर्स और बहुत छोटे टाइम इंटरवल का मल्टीप्लीकेशन इम्पल्स होता है. और ये किसके इक्वल होता है? ओनली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, ओनली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल. इम्पल्सिव फोर्स किसके इक्वल थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल. देखिए, रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम से डिवाइड हो रहा है. इम्पल्स किसके इक्वल है? ओनली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल. दिस इज चेंज इन मोमेंटम, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है. एंड इम्पल्सिव फोर्स किसके इक्वल थी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए कि इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स. इम्पल्सिव फोर्स की पहले बात करते हैं. इट इज फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, राइट? एंड वॉट इज इम्पल्स? इट इज फोर्स इन टू टाइम, इट इज फोर्स इन टू टाइम. ओके, इम्पल्सिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इम्पल्सिव फोर्स. एंड इम्पल्स क्या होगा? ओनली चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम, बस और कुछ नहीं, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम. ये डिफरेंसेस हो गए. अच्छा, यूनिट्स में भी फर्क पड़ेगा. इम्पल्सिव फोर्स के यूनिट्स होंगे न्यूटन, SI यूनिट्स, या फिर न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज न्यूटन. इम्पल्स किसके इक्वल होगा? फोर्स इंटू टाइम, मतलब इम्पल्स का यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू टाइम, दैट इज न्यूटन सेकेंड. या फिर वहाँ पर देखें तो, और किलोग्राम मीटर्स, अब देखिए पर सेकेंड स्क्वायर है, एस की पावर माइनस टू इंटू एस की पावर वन कर देंगे तो ये बन जाएगा एस की पावर माइनस वन. मतलब ये किसके यूनिट्स हो गए? मोमेंटम के यूनिट्स. तो इम्पल्स के यूनिट्स मोमेंटम के यूनिट्स सेम होते हैं, और इम्पल्सिव फोर्स के यूनिट्स फोर्स के यूनिट्स होते हैं. तो ये इतने ज़्यादा डिफरेंसेज है इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स के बीच में. एक बार फिर से, इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जो बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करती है किसी बॉडी पे. इम्पल्स उस इम्पल्सिव फोर्स और उस टाइम का प्रोडक्ट होता है. इम्पल्स इम्पल्सिव फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है.
अच्छा, अब तो ये बात हमें समझ लग गई कि इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स होती क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। बट हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स समझना इतना ज़रूरी क्यों है? आंसर ये है कि इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज हमें कई प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हेल्प करती है, हमारा नुकसान होने से बचाती है। आइए समझते हैं कैसे। ओके, तो देखते हैं कि प्रैक्टिकल सिनेरियोज में ये कंसेप्ट कैसे काम आता है। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ओके, तो पहली एग्जांपल है एक डाइवर की, ठीक है। आपने देखा होगा डाइवर्स जो होते हैं वो कई बार क्लिफ से, चोटी से छलांग मारते हैं पानी के अंदर। जस्ट सोचिए कि हमारे पास एक डाइवर है, ये एक डाइवर है जिसका मास है 60 किलोग्राम्स। ओके, बड़ा नॉर्मल सा मास है, किसी भी एडल्ट का मास 60 किलोग्राम हो तो बहुत फिट माना जाएगा। और ये डाइवर जो है ये जंप लगा रहा है, ठीक है, पर ये पानी पे नहीं ग्राउंड पे जंप लगा रहा है, ग्राउंड पे। अच्छा, मान लो जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक होने ही वाला था, इसकी तब वेलोसिटी थी 40 मीटर्स पर सेकेंड, और ग्राउंड से टकराने पे इमिडिएटली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर्स पर सेकेंड। आफ्टर स्ट्राइकिंग ये बिल्कुल रुक गया, ठीक है। सो अब बताइए इस पे और इस पूरे ड्यूरेशन को कितना टाइम लगा, सिर्फ 0.1 सेकेंड। इस पूरे ड्यूरेशन को कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड, या लेट से 1 सेकेंड लगा, सिर्फ 1 सेकेंड। तो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स कितनी आएगी, इम्पल्सिव फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम मास v2 - v1, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मास है इस बंदे का 60, फाइनल वेलोसिटी 0 टकराने के बाद, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40 डिवाइडेड बाय टाइम लगा 1 सेकेंड। तो ये हो गया 6 4s are 24, -2400 न्यूटन। इस पे ये जो ग्राउंड है वो 2400 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स है। अच्छा, अब मान लो ये जो डाइवर है, ये सेम डाइवर उसी हाइट से छलांग लगा रहा है जहाँ से पहले लगा रहा था, बट अब की बार ये सी में या वाटर में छलांग लगा रहा है, ठीक है। अब भी इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड सी टकराने से पहले, क्योंकि हाइट सेम थी जिससे इसने छलांग लगाई, और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड बन गई क्योंकि ये बिल्कुल स्टॉप हो गया। बट क्योंकि यहाँ पे पानी था, तो ये डाइवर ने जब यहाँ पे स्ट्राइक किया होगा पानी के सरफेस को, ये थोड़ा नीचे तक गया होगा, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी। मतलब यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा होगा, लेट से यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड्स लग गया। अब इम्पल्सिव फोर्स कितनी लगेगी, अब इम्पल्सिव फोर्स होगी मास 60 किलोग्राम्स इंटू 0 - 40 डिवाइडेड बाई टाइम है 5 सेकेंड्स। तो ये बन गया 5 - 12 = 60, एंड दिस इज -480 न्यूटन्स। मतलब अब इस पानी ने इस डाइवर के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है, 480 न्यूटन, और पहले कितनी फोर्स लगाई थी, 2400 न्यूटन। अभी भी ये चीज़ काफ़ी क्लियर नहीं हुई। अब देखना, 480 न्यूटन का मतलब है एक तरह से 48 kg इंटू जी। वट इज़ जी, 10, 48 × 10 = 480। जब ये डाइवर पानी में गिरेगा तो इसको ऐसा फील होगा कि इसको किसी ने 48 किलोग्राम्स का कोई चीज़ मार दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके ऊपर 48 किलोग्राम्स की बोरी गिर जाए तो आपको चोट तो बहुत लगेगी, बट आप ज़िंदा बच जाओगे, इतना कोई नुकसान नहीं, जान का ख़तरा नहीं है। बट इस केस में देखो, इस केस में अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, 240 kg × g, क्योंकि मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट होता है, फोर्स होता है, तो इसका ये मतलब है कि ग्राउंड से टकराने पे इस डाइवर को ये लगना था कि इसको ग्राउंड ने 240 किलोग्राम का कोई चीज़ दे मारा है। आप खुद सोचिए, अगर आपके ऊपर 240 किलो की बोरी गिरे और दूसरी तरफ सिर्फ 48 किलो की बोरी गिरे, तो आपको ज़्यादा नुकसान कौन से केस में होगा? ऑब्वियसली 240 किलो में शायद हम जिंदा भी ना बच पाएं। इसलिए यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स को कम करना बहुत फ़ायदेमंद हो गया। और अगर हमें इसकी नॉलेज ही ना होती तो हम कैसे इसको कम कर लेते,
इसलिए इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप देख पा रहे हैं मैंने चेंज इन मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं डाला, ऊपर 16 to -40 पहले भी था, अब भी 16 to -40 था, फ़र्क सिर्फ टाइम में पड़ा है। इसका मतलब जब भी हमें इंपल्सिव फोर्स कम करनी होती है, और मेजॉरिटी केसेस में ये कम करना फ़ायदेमंद होता है, तो आपको टाइम को इंक्रीज़ करना चाहिए। और टाइम इंक्रीज़ करने के लिए सॉफ्ट या स्मूथ सर्फेसेस काम में आते हैं। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ तो आपको पता लगेगा कि जब भी टाइम इंक्रीज़ करना है दो चीज़ों की टक्कर का, तो उनके बीच में कोई सॉफ्ट या स्मूथ सर्फेस हो, कंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट हो, तो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, इंपल्सिव फोर्स कम हो जाती है, नुकसान कम होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, और आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुई है और मज़ा आया समझ के। अच्छा एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ओके, क्रिकेट प्लेयर की एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि क्रिकेट प्लेयर्स जो होते हैं वो बॉल के आने पे अपना हाथ विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल ऑफ हैंड बाय क्रिकेट प्लेयर अपॉन कैचिंग अ बॉल। अब देखिए बॉल कितने ग्राम्स की होगी, लेट से बॉल है 200 ग्राम की, ठीक है, तो बॉल का मास है सिर्फ 0.200 किलोग्राम्स, 200 ग्राम की बॉल है, और लेट से बॉल आ रही थी विद अ स्पीड ऑफ 10 meters per second, और फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। जब आपके पास बॉल आ रही है तो हाथ से टकराने से पहले क्रिकेट के मैच में बॉल की स्पीड है 10 meters per second, पर जैसे ही हाथ से टकराई बॉल की तो स्पीड ज़ीरो हो जाएगी ना, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि उसको रोक लिया आपने। अच्छा इस केस में आपके पास इंपल्सिव फोर्स कितनी होगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो मास है 0.200, 0 - 10, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। मान लीजिए पहले आपने हाथ विड्रॉ नहीं किया था तो टाइम लगा सिर्फ 0.1 सेकेंड का, तो ये कितना हो गया 0.2 × -, तो चलिए ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपॉन 0.1, 0.1 और 0.2 डेसिमल्स मूव हो गए, दिस इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लगा है, करेक्ट। जी ठीक है। अच्छा अब यही अगर आपके पास 200 ग्राम की बॉल होती और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम रख लेते, ठीक है, और अब आपके पास टाइम लगा है 0.5 सेकेंड्स का, ठीक है, तो हाथ के ऊपर कितनी इंपल्सिव फोर्स आएगी, -0.2 × 10/0.5, तो ये डेसिमल रिमूव हो गया, 20/5, -4 न्यूटन, कहाँ सिर्फ 4 न्यूटन, कहाँ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का मतलब समझते हैं, 2 × 10, जैसे 2 किलोग्राम की कोई चीज़ हाथ पे आके लग गई हो, और 4 न्यूटन का मतलब समझते हैं, 10 से डिवाइड करें 0.4 × 10, जैसे सिर्फ 400 ग्राम की चीज़ कोई हाथ पे आके लग रही है। सोचिए 2 × 10, 0.4 × 10, 2 × 10 का मतलब 2 किलोग्राम की कोई चीज़ हाथ पे आके लग गई, और 0.4 × 10 सिर्फ 400 ग्राम की कोई चीज़ लगी। ये है टाइम बढ़ाने का फ़ायदा। तो बंदे ने जब हाथ विड्रॉ किया, फील्डर ऐसे हाथ पे टच हुई बॉल, धीरे धीरे करके विड्रॉ कर रहा है, 0.5 सेकेंड ले रहा है, आधा सेकेंड, और उतनी देर में बॉल को रोक रहा है, तो उसने क्या इंक्रीज़ किया है टाइम रोकने का, चेंज इन मोमेंटम का, तो क्या रिड्यूस हो गया है, इम्पल्सिव फोर्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा होगा कि जो क्रॉकरी आइटम्स होती ना, ये जैसे आपने देखा होगा बोन चाइना की आइटम्स होती, क्रॉकरी आइटम्स या कांच की क्रॉकरी होती है, अब ये ट्रांसपोर्ट होके आती है हमारे शहरों में, अब हर शहर में तो फैक्ट्रीज होती नहीं क्रॉकरी की, कई बार तो इम्पोर्टेड क्रॉकरी होती है, तो जब ये ट्रांसपोर्ट होती है तो हमें फील नहीं होता। अब जैसे एक बॉक्स है, एक कार्टन है, उसमें 2 क्रॉकरी की प्लेट्स पड़ी हैं लाइक दिस, अब आपको देखने पर लगेगा ये बिल्कुल चिपक के पड़ी हैं और इनमें कोई भी मोशन कोलिजन नहीं हो रहा, पर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए तो इनके बीच में भी कुछ मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर का गैप हो सकता है, और जब वो ट्रक चलेगा जो टेम्पो है जिसमें क्रॉकरी मूव कर रही है, तो जर्क्स लगेंगे जिसकी वजह से मोशन होगी इनमें, आपस में टक्कर होगी और उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम होगा, तो वैसा इम्पल्स जो यहाँ पर क्रिएट होगा वो इस
पूरी आइटम को चकनाचूर बना सकता है। तो हमें क्या चाहिए, इनके बीच के टक्कर होने का जो टाइम है वो बढ़ा देना चाहिए। और टाइम कैसे बढ़ाएंगे, कोई सॉफ्ट या स्मूथ या कंप्रेसिबल, सॉफ्ट स्मूथ या फिर कंप्रेसिबल आइटम इनके बीच में इंसर्ट करने से। और आपने देखा होगा कि इनके बीच में थर्मोकॉल या फिर कुछ थिक पेपर जैसी चीज़ जो कंप्रेस हो सकती है, या आपने देखा होगा जैसे वो आते हैं जिनमें एयर पॉकेट्स होती हैं, ऐसे गोल गोल से दाने बने होते हैं, हवा ट्रैप्ड होती है, वो शीट्स इसमें इंसर्ट कर दी जाएंगी। तो जब वो शीट इंसर्ट करोगे इसमें तो इन दोनों के आपस में टक्कर होने का टाइम बढ़ जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स रिड्यूस हो जाएगा और उससे आपका यहाँ पे क्रॉकरी डैमेज नहीं होगा। तो ये यहाँ पे भी इम्पल्स की नॉलेज बहुत काम आती है। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं तो आपके जो शॉकर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, वो भी इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर्स जो है ना वो कंप्रेस एंड रिलैक्स हो सकते हैं, तो वो जो जर्क की फोर्स होती है वो आप तक आने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। एंड कोई जैसे वो हाई जंपर होता है, हाई जंपर को क्यों, एक सॉफ्ट रेत वाली या मिट्टी वाली, सॉफ्ट मिट्टी वाली जमीन पे ही लैंड करवाया जाता है, ताकि कि जब वो गिरे तो टाइम ज़्यादा उसको मिले रुकने के लिए और इम्पल्सिव फोर्स कम लगे। या फिर आपने एक और एग्जांपल सुना होगा कि अगर किसी की गाड़ी फेल के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं तो वो गाड़ी को किसी वॉल में ठोक के रोकने की कोशिश करेगा, या किसी हे स्टैक में, जैसे वो खेतों में होते नहीं है घास फूस के सारे डंप होते हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो किसी सॉफ्ट जगह में गाड़ी को हिट करने की कोशिश करेगा रोकने के लिए, ताकि उसको ज़्यादा टाइम मिले रुकने का, उससे उसकी गाड़ी को कम डैमेज होगा। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।